गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन बात करते हैं अपना जो आगे का चैप्टर चल रहा था, अपन पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि शब्दावलियों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि कौन से पशु को, कौन से पशु के समूह को क्या कहते हैं, उसकी प्रजाति को क्या कहते हैं, उसकी जो पार्चुरेशन क्रिया है उसको क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन जिनके बारे में अपन ने देखा था। तो आज जो आगे की अपने बची हुई है उसी के बारे में आगे अपन चर्चा करते हैं। उनकी चर्चा करते हैं जिसमें इसके बाद में अपन ने खूब सारी चर्चा कर ली थी, जिसके बाद में जो आगे के अपने टर्म्स हैं, जो शब्दावली हैं, वो आती हैं लैम्बिंग। अब इसके बारे में देखेंगे कि लैम्बिंग होती क्या है। तो लैम्बिंग क्या होती है, जो भेड़ होता है, कहना मतलब भेड़ की जो प्रसव क्रिया है, भेड़ की जो प्रसव क्रिया है उसको क्या कहते हैं, लैम्बिंग कहते हैं। भेड़ की जो प्रसव क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, लैम्बिंग कहते हैं। प्रसव क्रिया ब्याने की जो क्रिया होती है, पार्चुरेशन क्रिया, उसे क्या बोलते हैं, लैम्बिंग बोलते हैं। इसके बाद में अपना दूसरा नया शब्द आता है टपिंग। अब इसके बारे में देखते हैं कि टपिंग क्या होती है। तो अपने जो भेड़ होता है, भेड़ की जो मैथुन क्रिया होती है, जो मेटिंग की जो क्रिया होती है, जो संभोग की जो क्रिया होती है, समागम की जो क्रिया होती है, उसको क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं। कहने का मतलब भेड़ की जो मैथुन क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं। इसके बाद में अपना आगे का नया शब्द आता है फलोक। अब अपन देखते हैं कि फलोक किसको कहते हैं, फलोक के बारे में। तो फलोक कहते हैं जो भेड़ और बकरी के जो समूह होता है, भेड़ और बकरी का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फलोक बोलते हैं। भेड़ और बकरी के समूह को फलोक बोलते हैं। अब इसी प्रकार अपन आगे जो अपना नया शब्द आता है उसकी बात करते हैं रेम। अब अपन बात करते हैं रेम किसे कहते हैं। तो क्या होता है, वह नर भेड़ जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है, वह नर भेड़ जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, रेम बोलते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ईव क्या होता है। वह वयस्क या मादा भेड़, वह मादा भेड़ जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है। रेम के अंदर तो आ गया नर भेड़, ईव के अंदर आ गया मादा भेड़। वह मादा भेड़ जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है उसे ईव कहा जाता है। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है गियर। अब गियर का मतलब क्या होता है, जब प्रथम से द्वितीय इसकी बात कर रहे हैं गियर की, प्रथम से द्वितीय शेयरिंग के मध्य की भेड़ को, प्रथम से द्वितीय शेयरिंग के मध्य की भेड़ को गियर के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करेंगे कि अपन ने बात की कि प्रथम व द्वितीय शेयरिंग वाली मादा भेड़ को। अब अपन बात करेंगे शेयरिंग, इसमें नया शब्द आया है उसकी। तो शेयरिंग क्या होती है, तो शेयरिंग होती है भेड़ की ऊन कतरने की क्रिया को शेयरिंग कहते हैं। भेड़ की ऊन कतरने यानी कि ऊन को उतारने की, ऊन को काटने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। अब अपने इससे ऊपर वाले शब्द वर्ड के अंदर बात की थी प्रथम व द्वितीय शेयरिंग। तो कहना मतलब मान लो कि ये भेड़ है, इसकी अपन ने प्रथम बार क्या कर ली, शेयरिंग कर, प्रथम बार ऊन कतर काट ली। इसके बाद में जो ये दूसरी वाली मादा वो भेड़ है, वो है इसका जो दोबारा ऊन काटने का टाइम आएगा, ऊन काटने का समय, कहना मतलब ये तो अपन ने प्रथम बार, ये आ गया द्वितीय बार। तो इसके अंदर कहना मतलब वह, कहना मतलब वे
मादा पर, वो मादा भेड़ जिसकी प्रथम एक बार शेयरिंग का मतलब ऊन काटने के बाद में जब दोबारा ऊन काटते हैं तो उस मादा भेड़ को क्या बोलते हैं, गियरिंग बोलते हैं, गियर बोलते हैं। इसके बाद में अपना नया शब्द आया शेयरिंग का, तो शेयरिंग का मतलब हो गया कि ऊन काटने या ऊन कतरने की जो कला होती है, जो क्रिया होती है, उसको बोलते शेयरिंग। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है कपराइन, कपराइन, नया शब्द आता है कपराइन। इसको कपराइन किसे कहते हैं हम देखते हैं, बकरी की जो जाति होती है या बकरी की जो प्रजाति होती है उसको क्या बोलते हैं, कपराइन बोलते हैं। बकरी की जो जाति होती है, फैमिली होती है, उसकी प्रजाति होती है, उसको कपराइन बोलते हैं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, नया शब्द आता है किड। किड क्या होता है, बकरी का नवजात जिसकी उम्र एक वर्ष से कम हो, कहना मतलब बकरी का नवजात जिसकी उम्र एक वर्ष से कम हो, बकरी का नवजात, बकरी का नवजात जिसकी उम्र एक वर्ष से कम हो उसे क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। अब इसके बाद में अपना नया शब्द आता है किडिंग, किडिंग। तो किडिंग क्या हो गई, बकरी की प्रसव क्रिया, बकरी की प्रसव क्रिया को किडिंग के नाम से जाना जाता है, पार्चुरेशन क्रिया को किडिंग के नाम से जाना जाता है। अब अपन इसके बाद में अपना नया शब्द आता है शेयर विंग, ये शायद पहले भी आ गया शेयर विंग वाला शब्द है। बकरी की जो मैथुन क्रिया होती है, जो मेटिंग की क्रिया होती है, जो समागम की जो क्रिया होती है, उसको शेयरविंग के नाम से जाना जाता है। बकरी की जो मेटिंग की जो क्रिया होती है उसको शेयरविंग के नाम से जाना जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं, अपना नया शब्द आता है, नया शब्द आता है बक, बक। अब बक का मतलब क्या होता है, बक का मतलब होता है बकरी का वह नर, बकरी का वह नर जो वयस्क है, कहना मतलब प्यूबर्टी एज में आ चुका है। तो अपन यूँ भी बोल सकते हैं कि बकरी का जो नर पशु है, जो वयस्क है, जिसको प्रजनन हेतु उपयोग में का उपयोग में लिया जाता है, बकरी का नर पशु जिसको प्रजनन हेतु काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बक बोलते हैं। बक के बाद में नया शब्द आता है डो, डो। डो किसको बोलते हैं, बकरी का कहना मतलब बकरी मादा पशु जो वयस्क है, वह मादा पशु जो वयस्क है जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है, जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है डो कहलाता है, डो कहलाती है। कहने का मतलब कि बकरी की बात हो रही है तो कहने का मतलब ये हुआ, बक का मतलब हो गया नर पशु जो प्रजनन के काम आता है बकरी के अंदर, मादा पशु जो प्रजनन के काम आती है उसको बोलते हैं डो। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है स्पेड, स्पेयर्ड, स्पेयर्ड। अब स्पेड क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, बदियाकरण या बदियाकरण की हुई मादा पशु, बदियाकरण की हुई कहना मतलब स्पेड किसे कहते हैं, मादा पशु जिसका अपन ने बदियाकरण कर दिया गया हो। अब वो किसके अंदर, गाय भैंस भेड़ और बकरी, कहना मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी। स्पेड का मतलब हो गया कि बदियाकरण की हुई मादा पशु, उसे क्या बोलते हैं, स्पेड बोलते हैं। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है सस, नया शब्द आता है सस। अब इसके बाद में बात करते हैं सस क्या होता है, सस होता है सुअर की जो प्रजाति होती है, जाति होती है, सुअर का जो परिवार होता है, सुअर की जो फैमिली होती है, उसको सस के नाम से जानते हैं, उसको सस के नाम से जानते हैं। कहना मतलब अपने बात की थी पहले बकरी के परिवार की, बकरी की फैमिली की, बकरी की जाति को क्या कहते हैं, उसी प्रकार जो सुअर है उसकी जाति को कहते हैं सस कहते हैं। अब इसके अंदर अपना नया शब्द आता है पिगलेट, पिगलेट। अब पिगलेट क्या होता है उसके बारे में, सुअर का नवजात बच्चा, सुअर का नवजात बच्चा जिसकी उम्र एक वर्ष से कम हो, सुअर का नवजात बच्चा जिसकी उम्र एक वर्ष से कम हो उसे क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पिगलेट बोलते हैं।
अपन इसके बाद में बात करते हैं बोर, नया शब्द आता है बोर, नया शब्द आता है बोर। सुअर का नर वयस्क पशु जो प्रजनन हेतु काम में लिया जाता है। सुअर का नर वयस्क पशु जो प्रजनन हेतु काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोर बोलते हैं। बोर कहने मतलब सुअर का नर पशु जिसका उपयोग प्रजनन हेतु काम में लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बोर बोलते हैं। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है साहू, नया शब्द आता है साहू। अब देखते हैं साहू किसे कहते हैं। मादा सुअर जो वयस्क हो या फिर मादा सुअर जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है। मादा सुअर जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है। बोर में तो आ गया नर और सेऊ में आ गया मादा। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है हेड। हेड क्या होता है, गाय भैंस के समूह को, गाय भैंस भेड़ बकरी के जो समूह होता है उसको हेड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है फोरविंग। फोरविंग, फोरविंग क्या होती है, तो अपन को पता है फोरविंग सुअर की जो प्रसव क्रिया होती है उसको फोरविंग के नाम से जाना जाता है। सुअर की जो प्रसव क्रिया होती है उसको फोरविंग के नाम से जाना जाता है। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं स्टाई। स्टाई, स्टाई क्या होता है, सुअर को रखने का जो स्थान होता है, जो आवास होता है, जो बाड़ा होता है या जिस जगह पर सुअर को रखते हैं उस स्थान को क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं। सुअर को रखने का जो स्थान है उसे क्या बोलते हैं, स्टाई बोलते हैं। इसके बाद में अपना जो नया शब्द आता है वह आता है लार्ड। लार्ड सुअर से प्राप्त होने वाली वसा, सुअर से प्राप्त होने वाली वसा को लार्ड के नाम से जाना जाता है। कहने मतलब सुअर से जो वसा प्राप्त होती है उसको लार्ड के नाम से जाना जाता है। फिर अपन नया शब्द आता है अपना इक्वस। नया शब्द आता है इक्वस, अपना नया शब्द आता है इक्वस। घोड़े की जाति को इक्वस कहते हैं, घोड़े की जाति को इक्वस कहते हैं। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है फाउल। फाउल, अब देखते हैं फाउल क्या होता है। घोड़े का नवजात जिसकी उम्र एक वर्ष से कम हो, घोड़े का नवजात जिसकी उम्र एक वर्ष से कम हो उसे क्या कहते हैं, उसे फाउल कहते हैं। अब अपन इसके बाद में बात करते हैं स्टेलिन। स्टेलिन, स्टेलिन क्या होता है, स्टेलिन की बात करें तो वह वयस्क जोड़ा घोड़ा जो बिना बदियाकरण किया हुआ हो, वह वयस्क घोड़ा जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है। वह वयस्क नर घोड़ा जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है स्टेलिन कहलाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, नया शब्द आता है मेयर। मेयर की बात करें तो वह मादा पशु, कहने मतलब घोड़े के अंदर मादा पशु जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है। वयस्क घोड़ी जिसका उपयोग प्रजनन हेतु किया जाता है मेयर कहलाती है, कहने मतलब जो प्रजनन योग्य हो। इसके बाद में अपना नया शब्द आता है जेल्ड। जेल्ड, बदियाकरण किया हुआ घोड़ा या बदियाकरण किया हुआ नर पशु, घोड़े के प्रजाति के अंदर बदियाकरण किया हुआ
घोड़ा जिसे क्या कहते हैं, जेल्ड के नाम से जानते हैं। फिर अपन बात करते हैं पेक, फिर अपन बात करते हैं पेक, घोड़े के समूह को, घोड़े के समूह को पेक के नाम से जानते हैं। जो घोड़े का जो समूह होता है उसको पेक के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं फाउलिंग, फिर अपन आगे बात करते हैं फाउलिंग की। कहने का मतलब घोड़े का कि जो घोड़े की जो प्रसव क्रिया होती है, घोड़े की जो प्रसव क्रिया होती है घोड़ी घोड़े के अंदर, कहने मतलब मादा पशु के अंदर, मादा पशु के अंदर घोड़ी के अंदर जो प्रसव क्रिया होती है, मादा पशु घोड़ी के अंदर जो प्रसव क्रिया होती है उसको बोलते हैं फाउलिंग। इसके बाद में अपन बात करते हैं कवरिंग, उसके बाद में अपन बात करते हैं कवरिंग। तो घोड़े की जो मैथुन क्रिया होती है, जो समागम की जो क्रिया होती है, जो मेटिंग की जो क्रिया होती है उसे बोलते हैं कवरिंग। जो घोड़े की जो मैथुन की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, कवरिंग। अब इसी प्रकार अपना आगे का जो शब्द है वह है खच्चर, वह है खच्चर। अब भाई ये दो शब्द हैं जिनका थोड़ा सा अपन को विशेष ध्यान रखना है, खच्चर और एक आता है हन्नी। अब खच्चर और हन्नी ये क्या होते हैं, कहने का मतलब ये दोनों ही क्या हैं, संकरण के द्वारा उत्पन्न की हुई प्रजाति हैं, जाति हैं। अब अपन इसकी बात करते हैं कि कौन कौन सी, कहने का मतलब किस किस का क्रॉस करवाते हैं तो खच्चर पैदा होता है और किस किस का क्रॉस करवाते हैं तो हन्नी पैदा होती है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं हन्नी की, या सबसे पहले अपन बात करते हैं खच्चर की। तो खच्चर के अंदर क्या होता है, खच्चर के अंदर होता है गधे और घोड़ी, गधे और घोड़ी। और उसी प्रकार से हन्नी के अंदर होता है घोड़ा प्लस गधी। कहने का मतलब है जब अपन नर गधे और मादा घोड़ी, घोड़ी तो मादा होगी ऑटोमेटिक, नर गधे और मादा घोड़ी का जब क्रॉस करवाते हैं तो प्राप्त होने वाली संतति क्या कहलाती है, खच्चर कहलाती है। उसी प्रकार से जब अपन नर घोड़ा मादा घोड़ी मादा गधी जिनका अपन क्रॉस करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हन्नी प्राप्त होता है, हन्नी प्राप्त होता है। अब अपन इसको उस तरीके से ना देखें तो इस तरीके से देख सकते हैं अपन, जैसे इसको खच्चर को बोलते हैं म्यूल और हन्नी को हन्नी, हन्नी। तो कहने का मतलब है म्यूल अपन को कब प्राप्त होगा, जब अपन डी का क्रॉस एम मेयर यानी घोड़ी से करवाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एम प्राप्त होगा। फिर इसी प्रकार से अपन को एच प्राप्त करना है तो एच का क्रॉस करवाएंगे किससे, डी से। कहने का मतलब जब अपन को खच्चर यानी कि म्यूल, म्यूल का अगर प्राप्त करना है तो डोंकी यानी गधा, गधे के साथ में घोड़ी यानी कि एम का मतलब मेयर, मेयर यानी घोड़ी। तो गधे और घोड़ी का जब क्रॉस करवाएंगे तो खच्चर पैदा होगा। इसी प्रकार से जब अपन घोड़े और गधी, कहना मतलब उसका अपन क्रॉस करवाएंगे तो अपना हन्नी प्राप्त होगा। इस प्रकार से कहना मतलब इन खच्चर और हन्नी दोनों के अंदर ही आगे प्रजनन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, दोनों के अंदर ही प्रजनन करने की जो क्षमता है वह नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर 63 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि इनके अंदर 63 गुणसूत्र होते हैं। दूसरा ये नपुंसक होते हैं, जब नपुंसक होते हैं तभी तो प्रजनन करने की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब इस प्रकार से आज का अपना ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर अपन ने विभिन्न प्रकार के जैसे गाय है भैंस है, ये अपने गाय है भेड़ है बकरी है सूअर है घोड़ा है,
इनकी विभिन्न प्रकार की कहना मतलब इनके बच्चे को क्या बोलते हैं, वयस्क को क्या बोलते हैं, मादा को क्या बोलते हैं, नर को क्या बोलते हैं, इनकी जो कालविंग कहना मतलब जो प्रसव की क्रिया उसको क्या बोलते हैं, जो समागम मेटिंग की क्रिया उसको क्या बोलते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने बात की विभिन्न सारे जो अपने वर्ड थे जो आगे मैनेजमेंट में काम आएंगे उनके बारे में चर्चा की। तो कहना मतलब अपने वाले फर्स्ट चैप्टर में यही आता है। अब अपन कल से बात करेंगे अपना जो नया चैप्टर है जो सेकंड चैप्टर है जिसके बारे में अपन कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।